बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में दरार पड़ गई है। लोक जनशक्ति पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया गया है, यानी लोजपा इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान ने पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद जीत के संकेत दिए। बैठक में लोजपा बीजेपी सरकार का प्रस्ताव पारित किया गया है। बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि लोजपा के सभी विधायक पीएम मोदी के हाथों को और मजबूत करेंगे, साथ ही पार्टी उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जहां जदयू के प्रत्याशी होंगे। इस बैठक में एक साल से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से उठाए गए मुद्दों पर लोजपा पीछे हटने को तैयार नहीं है। लोजपा की बैठक में पार्टी के सभी सदस्य मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक के बाद लोजपा के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर और लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का बीजेपी के साथ मजबूत गठबंधन है, लेकिन राज्य स्तर पर व विधानसभा चुनाव में गठबंधन में मौजूद जेडीयू से वैचारिक मतभेदों के कारण बिहार में लोजपा ने गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। न्यूज़ डेस्क।